हिंदी में कहते हैं क्या, कपास। क्या बात है, कितनी शानदार जानकारी दी मैंने आपको। कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं, कपास। किसी ने बताया आपको आज तक? मैं बता रहा हूँ, वीडियो देखा करो मेरे, बहुत काम के वीडियो होते हैं। तो कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं, कपास। देखो फैमिली क्या है कॉटन की, मालवेसी। किस परिवार से है ये, मालवेसी परिवार से है। बॉटनिकल नेम की बात करें तो वो है गॉसिपियम स्पीसीज। अब देखो मैंने क्या कहा, स्पीसीज। तो जब भी मैं क्या कहता हूं कि स्पीसीज, मतलब बहुत सारे बॉटनिकल नेम की बात होने वाली है। यहां पर टोटल 4 स्पीसीज हैं कल्टीवेटेड, जिनको हम लोग, जिनकी हम लोग खेती करते हैं, ऐसी टोटल 4 स्पीसीज हैं। और उन 4 स्पीसीज को हमने 2 ग्रुप में बांटा है। कौन कौन से हैं वो 2 ग्रुप, पहला है अपना ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ठीक, और दूसरा है न्यू वर्ल्ड कॉटन। पुरानी दुनिया का कॉटन और नई दुनिया का कॉटन, पुरानी दुनिया का कपास और नई दुनिया का कपास, ये क्या चीज़ है भाई, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, ऐसा नाम क्यों पड़ा। अच्छा देखो, आज से 2000, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, मतलब आज से 2021 से माइनस कर दो 2021, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो से पहले क्या था, इसमें अपन ने क्या कर दिया, 2021, मतलब ये अपना आज का है टुडे, इससे 2021 से पहले क्या था, जीरो, और इससे पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ये जो जीरो टाइम है ना, इसको कहते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म में जिनके भगवान होते हैं, जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है। उनके आगे के जितने भी साल होते हैं ना, वो अपन काउंट कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है वो इन्हीं के जन्म के बेसिस पर बना है। तो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, उससे आगे के साल ही हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। आज कितने साल हो गए, 2021 तक पहुँच गए हम लोग। इससे पहले क्या दुनिया नहीं थी, बिल्कुल थी। जीसस क्राइस्ट से पहले की जो दुनिया थी, पहले जो घटनाएं थी ना, उनको हम लोग बोलते हैं हमेशा बिफोर क्राइस्ट। आप लोगों ने देखो ऐसे लिखा रहता है हमेशा 700 BC, इसका मतलब क्या होता है, क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले। कहीं आप लोगों ने देखा होगा, कई बार लिखा होगा 400 BC, 286 BC, इसका मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट के 286 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 साल पहले, ठीक है। और आगे का जो रहता है उसको बोलते हैं अपन AD, ठीक है। AD एक लैटिन भाषा का शब्द है, कुछ एंटोन डोमिनी करके कुछ होता है, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। तो ये जो अपन जी रहे हैं ना, वो कौन सा अपना, इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। इनके जन्म से बाद वाली जो चीज़ है ना, उसी को कहते हैं न्यू वर्ल्ड, ठीक है। इनके जन्म से पहली वाली जो चीज़ है उसको कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो कुछ भी हुआ वो नई दुनिया थी, इनके पहले जो कुछ था वो सब पुरानी दुनिया थी। तो ये जो कॉटन है ना, उसको भी हमने इसी बेसिस पर क्लासीफाई किया है, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू कॉटन, न्यू वर्ल्ड। तो ओल्ड वर्ल्ड मतलब ये वो कॉटन है, इसमें वो 2 स्पीसीज आती हैं जो जीसस क्राइस्ट से पहले से भी कल्टीवेट की जा रही है, उस पुरानी दुनिया से में कल्टीवेट की जाती थी। और 2 स्पीसीज आती है न्यू वर्ल्ड में, जो बाद में कल्टीवेट हुई, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद में कल्टीवेट हुई। तो 2 स्पीसीज यहाँ पर कौन सी हैं, एक है गॉसिपियम हर्बेशियम और दूसरी है गॉसिपियम आर्बोरियम, ठीक। ये दोनों कैसी हैं आपकी, ओल्ड वर्ल्ड वाली हैं, पुरानी वाली हैं, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि कॉटन का जो ओरिजिन है उसको इंडिया मानते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो कल्टीवेट की जाती थी ना, वो इंडिया और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान भी पहले इंडिया में ही था, इसलिए कॉटन का जो ओरिजिन माना जाता है वो इंडिया माना जाता है। तो कॉटन का ओरिजिन क्या है आपका, इंडिया। कॉटन का ओरिजिन क्या माना जाता है, इंडिया, क्योंकि गॉसिपियम हर्बेशियम और गॉसिपियम आर्बोरियम जो ओल्ड वर्ल्ड की हैं, सबसे पुरानी कॉटन है, और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी दोनों की दोनों, और ये दोनों ही डिप्लॉयड हैं। दोनों के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 26। ये कैसी हैं आपकी, डिप्लॉयड वेराइटी है, ठीक। अब आ जाओ न्यू वर्ल्ड कॉटन, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद की जो दुनिया है उसमें जो कॉटन कल्टीवेट किया जाता था उसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो ये तो समझ में आ गया आपको, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का क्या चक्कर है। ये 2 स्पीसीज थी वो बहुत पहले से कल्टीवेट की जा रही हैं, जीसस क्राइस्ट से पहले की भी, इसलिए उसको लगभग कहते हैं कि 3000 जीसस क्राइस्ट के 3000 साल पहले से भी इसको कल्टीवेट किया जा रहा है, इसलिए जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। और इंडिया और पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान एरिया है वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट किया जाता था, इसलिए, ठीक है। और पहले तो पाकिस्तान अपने इंडिया में था, इसलिए इसका ओरिजिन क्या मानते हैं, इंडिया मानते हैं। न्यू वर्ल्ड कॉटन में भी अपनी 2 स्पीसीज हैं, एक है गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम,
देखना भाई क्या स्पेलिंग है, और दूसरा है गॉसिपियम बारबिडेंस, ठीक। एक है गॉसिपियम हिर्सुटम और एक है गॉसिपियम बारबिडेंस। ये जो गॉसिपियम हिर्सुटम है ना, इसका ओरिजिन है यूएसए या फिर कह सकते हो अमेरिका, ठीक है। इसीलिए इस गॉसिपियम हिर्सुटम को हम लोग अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अमेरिकन कॉटन। और सबसे ज़्यादा यही कल्टीवेट की जा रही है आज पूरे वर्ल्ड में, 36% एरिया में, जितना भी टोटल कॉटन का कल्टीवेशन होता है उसके 36% एरिया में गॉसिपियम हिर्सुटम का कल्टीवेशन होता है। इसीलिए कभी अगर एग्जाम में बॉटनिकल नेम में आपसे पूछा जाए कि बॉटनिकल नेम क्या है, तो आप गॉसिपियम हिर्सुटम भी उसका आंसर लगा सकते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे गेहूं के अंदर आप वैसे तो ट्राइटिकम स्पेसीज ही बोलना चाहिए, लेकिन ट्राइटिकम एस्टिबम भी बोल सकते हो, क्योंकि 87% एरिया में गेहूं की ट्राइटिकम एस्टिबम लगाई जा रही है जो कि हेक्साप्लॉयड है। तो वहाँ पर ट्राइटिकम एस्टिबम आप कह सकते हो, ठीक उसी तरह से कॉटन में आप गॉसिपियम हिर्सुटम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही कल्टीवेट की जाती है। दूसरे नंबर पर अगर कोई कल्टीवेट की जाती है तो वो है गॉसिपियम आर्बोरियम 17%, तीसरे नंबर पर गॉसिपियम हर्वेसियम 10% और गॉसिपियम बारबिडेंस मात्र 0.2% एरिया में कल्टीवेट की जाती है। वैसे तो ये जो गॉसिपियम बारबिडेंस है ना, ये पेरू की है। इसका ओरिजिन क्या है, पेरू। पेरू से ये कहां पर इंट्रोड्यूस हुई, यूएसए के अंदर। सिलेक्शन मेथड से इसमें एक नई वैरायटी बनाई गई थी जिसका नाम रखा था सी आइलैंड कॉटन। एक्चुअली में ये जो सी आइलैंड कॉटन, इसका नाम कैसे पड़ गया, देखो अपने जो जो अपना नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, ये जो कुछ देश हैं उनके समुद्री किनारे वाले जो पूरे एरिया हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी कॉटन का कल्टीवेशन होता है। इसका कल्टीवेशन बहुत लिमिटेड है, केवल 0.2% एरिया में, केवल समुद्र के किनारे पर, वो भी कहाँ पर, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा वाले जो देश हैं वहीं पर इसका कल्टीवेशन होता है, ठीक है। और समुद्र के किनारे वाले गाँव में होता है, इसलिए इसको सी आइलैंड कॉटन भी कहते हैं। इसके अलावा इजिप्ट में जो भी कॉटन है ना, वो सब गॉसिपियम बारबिडेंस ही आया है, इसलिए गॉसिपियम बारबिडेंस को हम लोग इजिप्टियन कॉटियन भी कहते हैं, इसलिए इसको इजिप्टियन कॉटन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सी आइलैंड कॉटन और इजिप्टियन कॉटन, ये दोनों जो है ना वो आपकी टेट्राप्लॉइड है। दोनों की दोनों कैसी हैं आपकी, ये टेट्राप्लॉइड, मतलब जस्ट डबल कर दो, ये डिप्लॉइड थी 2n=26, ये टेट्राप्लॉइड है, मतलब ये दोनों कितनी हो जाएंगी, 2n=52। तो अब आपसे क्रोमोसोम नंबर कोई पूछ ले के बताओ, कॉटन के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कल्टीवेट की जाती है, गॉसिपियम हिर्सुटम। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि बॉटनिकल नेम इसका गॉसिपियम हिर्सुटम है, ठीक उसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 52। अगर आपसे कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछ ले के नहीं बताओ गॉसिपियम हर्वेसियम में क्रोमोसोम नंबर क्या है, तब आप कहोगे 26, नहीं तो आप नॉर्मली क्या बताओगे उसके, कि क्रोमोसोम नंबर होते हैं 52। ये जो गॉसिपियम हिर्सुटम और बारबिडेंस, ये दोनों कैसी हैं, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है, क्लियर हुआ। कॉटन जो है वो ना सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी कमर्शियल क्रॉप है कॉटन। सभी लोग यूज़ करते हैं कॉटन का, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी कॉटन के हैं, आपने जो पहन रखे हैं वो भी कॉटन के, हर कोई कॉटन का यूज़ करता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली और ओल्डेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर का यूज़ होता है, कॉटन का यूज़ हो रहा है। तो इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, नंबर वन की इंडस्ट्री है, कौन सी, एग्रो बेस्ड, ये कॉटन से रिलेटेड। इसलिए जो कॉटन होता है ना, इसको हम लोग किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं, कॉटन को हम लोग किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। सफ़ेद कलर का होने की वजह से इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, कॉटन को वाइट गोल्ड भी हम लोग कहते हैं। और बातें करें कॉटन के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे कि आपका जो कॉटन है वाइल्ड स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूँ कॉटन की, तो वो पेरिनियल होती है, समझते हो ना, दो तीन तरह की बताई थी मैंने आपकी, एक होती है एनुअल, एक होती है बाइनियल, एक होती है पेरिनियल। एनुअल जो अपना लाइफ साइकिल सीड टू सीड एक सीजन में कंप्लीट करे, एक साल में कंप्लीट करे, जो अपनी लाइफ साइकिल को दो सीजन में कंप्लीट करती हैं उनको बाइनियल कहते हैं, जो तीन सीजन में कंप्लीट करे मतलब दो साल से ज़्यादा में कंप्लीट करे उनको पेरिनियल कहते हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूँ कॉटन की, जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, जो जंगली प्रजातियां हैं कॉटन की, वे सभी कैसी हैं आपकी, पेरिनियल हैं। लेकिन ये जो कल्टीवेटेड, जो हम चार स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ये चार जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं कॉटन की, ये सब की सब कैसी हैं, एनुअल है, ये सब की सब कैसी हैं आपकी, एनुअल स्पीसीज हैं। कॉटन के अंदर दो प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है,
एक होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग और एक होती है सिंपोडियल ब्रांचिंग। आप सभी ने कॉटन का पौधा देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि एज यूजुअल ज़्यादातर लोग कॉटन की कल्टीवेशन नहीं करते, क्योंकि कॉटन का कल्टीवेशन एक तो लार्ज एरिया में लोग करते हैं, कमर्शियल लेवल पर करते हैं। हम तो लोग क्या उगाते हैं, गेहूँ, चावल, चना, इन सब का कल्टीवेशन करते हैं। इस तरह की नॉर्मल क्रॉप हम लोगों ने देखी हुई है। देखो कॉटन आपको कैसा होता है देखने में, एक नॉर्मल उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ देखो इस तरह की जो रूट होती है ना, इसको कहते हैं टेप रूट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, टेप रूट सिस्टम। दो प्रकार की रूट होती हैं, बहुत पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ, एक होती है टेप रूट, एक होती है एडवेंटीजियस रूट। अपनी जो सीरियल्स क्रॉप होती है उनके अंदर कौन सी होती है, इसमें टेप रूट सिस्टम में क्या होता है, ये मेन रूट होती है और फिर इस मेन रूट से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसको क्या कहते हैं, टेप रूट सिस्टम। तो कॉटन के अंदर कौन सा रूट पाई जाती है, कॉटन के अंदर पाई जाती है टेप रूट। एक होती है एडवेंटीजियस रूट, जैसे कि मान लो ये है, यहीं से फैल जाएगी, इसमें कोई मेन रूट जैसी कोई बात नहीं होती। इस तरह की रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटीजियस रूट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एडवेंटीजियस रूट। ठीक है, ज़्यादातर अपनी जो सीरियल्स क्रॉप है उनमें अपन को जो मिलती है एडवेंटीजियस रूट, इसको क्या बोलते हैं, टेप रूट। जब अपनी लेग्यूमिनस क्रॉप में भी अपनी यही टेप रूट सिस्टम ज़्यादातर पाई जाती है, ये बहुत मजबूत मानी जाती है टेप रूट सिस्टम। ठीक है, बहुत गहराई तक जाती है ज़मीन में, तो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है कॉटन के अंदर। इसको मिटा देते हैं, तो कॉटन के अंदर कौन सी होती है अपनी, टेप रूट सिस्टम। एक होती है कॉटन के अंदर, फिर उसके ऊपर मेन स्टेम, ये रही इसकी मेन स्टेम। ठीक है, दो प्रकार की ब्रांचिंग मैंने बताई थी, एक होती है सिंपोडियल, एक होती है मोनोपोडियल। ब्रांचिंग का पैटर्न भी इनका बड़ा अनोखा होता है, बिल्कुल लेडर जैसे शेप का, जैसे इस तरह का काम। ठीक है, जैसे ये क्या बना रहे हैं अपन, पॉड, कैप्सूल या स्क्वायर भी इनको आप बोल सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, पॉड, या इनको आप कैप्सूल भी बोल सकते हो, या इनको आप स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसी के अंदर, इसी बॉल के अंदर तो होता है कॉटन सारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो प्रकार की ब्रांचिंग आपको दिख रही है, एक ब्रांचिंग ऐसी है जिसमें ये पॉड बन रहे हैं, एक ब्रांचिंग जिसमें पॉड नहीं बन रहे। तो जिसमें पॉड नहीं है, जिसमें अपना फ्लावर नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग। उसको क्या कहते हैं, मोनोपोडियल ब्रांचिंग, जिसमें कोई पॉड नहीं है, कोई आपका कैप्सूल नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं, कोई फ्लावरिंग नहीं, वो होती है मोनोपोडियल। मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको वेजिटेटिव ब्रांचिंग भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें पॉड बनते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है आपकी, दोनों सिंपोडियल ब्रांचिंग। सिंपोडियल ब्रांचिंग मतलब दो प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है, एक होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग और दूसरी होती है सिंपोडियल ब्रांचिंग। ये मोनोपोडियल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये है अपनी मेन स्टेम, ये है आपकी क्या, मेन स्टेम। अब देखो आप यहाँ से देखो, मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है वो कहाँ से इमर्ज हो रही है, मेन स्टेम से। मतलब मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है वो हमेशा मेन स्टेम से ही आएगी, हमेशा कहाँ से आएगी, मेन स्टेम से ही आएगी। सिंपोडियल ब्रांचिंग को देखो, ये अपनी एक सिंपोडियल ब्रांचिंग ये है, ये अपनी मेन ब्रांच से आ रही है, और दूसरी ये सिंपोडियल ब्रांचिंग, ये क्या है अपनी, मोनोपोडियल। क्योंकि इस ब्रांचेस पे तो कुछ नहीं, पर इस ब्रांचेस में से भी एक ब्रांच जा रही है, उसके ऊपर अपनी पॉड कैप्सूल है। मतलब ये वाली क्या है, सिंपोडियल। मतलब सिंपोडियल जो है वो मेन ब्रांचेस से भी निकल रही है और मोनोपोडियल से भी निकल रही है। यहाँ पर देखो आप, ये मोनोपोडियल से निकल रही है, ये मेन ब्रांच से भी निकल रही है। मतलब जो सिंपोडियल ब्रांचिंग होती है वो अपनी मेन स्टेम से भी निकलती है और मोनोपोडियल ब्रांचिंग से भी निकलती है, दोनों से अपनी इमर्ज होती हैं। और चूंकि सिंपोडियल ब्रांचिंग में ही फ्लावर बनते हैं, पॉड बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं, इसीलिए इनको ही रिप्रोडक्टिव ब्रांचिंग कहा जाता है, इनको ही रिप्रोडक्टिव ब्रांचिंग कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना पॉड, कैप्सूल, ये इसके अंदर लोक्यूल्स पाए जाते हैं ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हम, लोक्यूल बोलते हैं।
ठीक है, और हर एक लोक्यूल के अंदर होते हैं सीड, लगभग 3 से 5 सीड इनके अंदर पाए जाते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो जो मैंने 4 स्पीसीज आपको बताई थी, गॉसिपियम, हर्बेसियम, आर्बोरियम और हिरसुटम और बारबिडेंस, ये 4 स्पीसीज में अलग अलग उनकी हाइट रहती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर तक की नॉर्मल एक जैसी हाइट रहती है एवरेज। जो मैंने आपको बताई थी ना बारबिडेंस, जिसको सी आइलैंड कहते हैं, उसका सबसे फाइनेस्ट, सबसे पतला फाइबर जो है ना वो उसी का पाया जाता है। जो सबसे फाइनेस्ट फाइबर है ना, सबसे पतला धागा जो पाया जाता है ना कॉटन का, सबसे फाइन फाइबर वो बारबिडेंस स्पीसीज में ही पाया जाता है। ठीक है, हिरसुटम का जो मैंने आपको बताया था, हिरसुटम जो 36% उसका फाइबर कैसा होता है, फाइन होता है, पतला होता है लेकिन फाइनेस्ट नहीं होता, किस में, हिरसुटम के अंदर। और COA कोर्स फाइबर आपके होते हैं हर्बेसियम और आर्बोरियम के अंदर, जो अपने ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है इनके फाइबर थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है, कोर्स फाइबर होते हैं। फाइन फाइबर किस में होते हैं आपके, हिरसुटम के अंदर और बारबिडेंस के अंदर, सबसे पतले, सबसे बारीक फाइबर होते हैं, सबसे फाइन फाइबर होते हैं, सबसे फाइनेस्ट फाइबर पाए जाते हैं बारबिडेंस के अंदर, जिसको हम इजिप्टियन कॉटन और सी आइलैंड कॉटन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं अपन कॉटन फाइबर की, कि कॉटन फाइबर क्या है, इसको मिटा देते हैं, चलो यहां देखते हैं कॉटन फाइबर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सीड कॉटन और कॉटन सीड में, सीड कॉटन क्या चीज है और कॉटन सीड क्या चीज है। देखो सबसे पहले तो आप समझो कॉटन फाइबर क्या है। देखो जैसे कि मान लो ये रहा कॉटन का सीड, ये क्या है इसका सीड है। सीड जो होती है उसके पास सीड कोट होती है, हर एक सीड के पास उसकी कवरिंग होती है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। तो इसकी भी कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे सीड कोट, इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं सीड कोट। और कोई सी भी सीड कोट हो वो काय की बनी होती है, एपिडर्मल सेल की बनी होती है, मतलब इसकी जो सेल्स, इसके ऊपर जो सेल्स है वो सेल्स काय के बने हुए हैं, एपिडर्मल सेल्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। अब देखो कॉटन फाइबर क्या होता है, ये जो एपिडर्मल सेल, जैसे मान लो ये एक सेल है, यही सेल ऐसे एलोंगेट होकर कॉटन फाइबर बनाता है। ठीक है, इसी कॉटन फाइबर को हम लोग लिंट बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टेपल भी कहते हैं। ध्यान रखना जो कॉटन फाइबर होता है उसको लिंट और स्टेपल भी कहा जाता है। तो कॉटन फाइबर यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉटन फाइबर क्या है, ये एक यूनिसेलुलर फाइबर है, यूनिसेलुलर फाइबर है, मतलब एक ही सेल से बना है, एक ही सेल है उसमें खिंचाव हुआ है, एलोंगेशन हुआ है, उसी से यूनिसेलुलर फाइबर बन गया। इसके अंदर लगभग 94% सेलुलोज होता है, 94% सेलुलोज इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेल जो होते हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं इस तरह से, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जो एलोंगेशन होते हैं इसको बोलते हैं फज, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ये हमारा एक मेन इकोनॉमिक पार्ट तो ये है, जो हमारा इकोनॉमिक पार्ट है जिसके लिए हम कॉटन की खेती कर रहे हैं, वो क्या है हमारा ये लिंट, और ये कैसा है हमारा नॉन इकोनॉमिक पार्ट, इसका कोई यूज़ नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे लिए ये प्रॉब्लम और क्रिएट करता है। किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है फज, वो भी मैं आप बताऊंगा। तो ये समझ गए आप, मतलब इसी के ऊपर बहुत सारे ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इसी सीड के ऊपर, और वो फाइबर्स क्या है आपके यूनिसेलुलर फाइबर है, और छोटे छोटे फाइबर भी रहते हैं जिनको अपन फज बोलते हैं, इस तरह का। ठीक, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जिसमें सीड भी है और फाइबर भी है, इसी को कहते हैं सीड कॉटन, इसी को कहते हैं क्या सीड कॉटन। तो सीड कॉटन क्या है, सीड कॉटन के अंदर सीड भी है प्लस फाइबर भी है, तो सीड और फाइबर दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है सीड कॉटन। ठीक, अब एक प्रोसेस होती है गिनिंग, गिनिंग कहो या जिनिंग कहो, गिनिंग प्रतिशत में निकाला जाता है। गिनिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जिसके लिए हम खेती कर रहे हैं वो क्या है हमारा लिंट, स्टेपल फाइबर, वही है, वही मेन कॉटन फाइबर है, तो यही हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, तो हम हार्वेस्ट भी क्या करेंगे इसी इकोनॉमिक प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो गिनिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन और रिमूवल, सेपरेशन कहो या रिमूवल कहो, सेपरेशन और रिमूवल ऑफ द कॉटन फाइबर। तो गिनिंग का मतलब क्या हो गया, रिमूवल या फिर सेपरेशन ऑफ लिंट, लिंट कहो या स्टेपल कहो, ठीक है, या फिर फाइबर। तो लिंट को, स्टेपल को और फाइबर को रिमूव करना ही, उसको सेपरेट करना ही क्या बोलते हैं अपन, गिनिंग परसेंटेज, ये परसेंटेज में निकाला जाता है,
एक मक्खी है मेरी पालतू है, ये बराबर कैमरे के ऊपर आके बैठती है, भागो यहाँ से हट। तो गिनिंग प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, गिनिंग परसेंट का मतलब क्या होता है, ये जो फाइबर है आपकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट है लिंट जो है इसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, गिनिंग परसेंट कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग कहते हैं, इसको परसेंटेज में निकाला जाता है इसलिए इसको पूरे को गिनिंग परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब इसमें से आप कॉटन फाइबर को निकाल दोगे तो वो कैसा दिखेगा, जैसे कि ये सीट था इसमें से आपने पूरा फाइबर निकाल दिया तो अब ये कैसा नजर आएगा, इसमें केवल फज रह जाएंगे ऐसे छोटे छोटे से, यानी केवल सीड अकेला बचा है। अब इसको बोलते हैं अपन कॉटन सीड, इसको क्या बोलेंगे, कॉटन सीड। तो कॉटन सीड का मतलब क्या है, ओनली सीड, कॉटन सीड का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीड की बात हो रही है, और सीड कॉटन का मतलब क्या है, सीड प्लस फाइबर। समझ आ गया, सीड कॉटन में और कॉटन सीड में क्या फ़र्क है, सीड कॉटन का मतलब सीड भी है और फाइबर भी है, और कॉटन सीड का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीड। गिनिंग करने के बाद फाइबर को सेपरेट करने के बाद जो सीड अपके लिए रह जाता है उसको बोलते हैं कॉटन सीड। ये गिनिंग को कैसे निकालोगे जी, हमने निकाल दिया, इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमने क्या निकाल दिया, लिंट निकाल दिया, फाइबर निकाल लिया, उसका वेट ले लो, यानी कि वेट ऑफ द लिंट साथ में इस पूरे का ले लो, यानी पूरे को क्या बोलते हैं अपन, सीड कॉटन, यानी कि वेट ऑफ द सीड कॉटन, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, गिनिंग परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से करें इसलिए गिनिंग परसेंटेज आ रहा है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना LSC, क्योंकि यहीं से बहुत कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में आपसे पूछ लेंगे और ऑप्शन में यहाँ बदलाव कर देते हैं, कई जगह पर कॉटन सीड कर देते हैं, तो LSC मतलब ऊपर आएगा लिंट और नीचे आएगा SC का मतलब सीड और कॉटन। ठीक है, तो गिनिंग परसेंट क्या होता है आपका, LSC, वेट ऑफ द लिंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सीड कॉटन। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो लगभग 30-35% तक होती है, अलग अलग है, जैसे कि मान लो कहाँ लिखें, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपका जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका हिरसुटम है या अपना पूरा ओल्ड वर्ल्ड कॉटन ही ले लो, उसके अंदर आपकी होती है 38-42%। क्या गिनिंग परसेंट कितना होता है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में होता है आपका 38-42%, 34-38% ये आपका होता है हिरसुटम के अंदर, और एक होता है अपना 28-32% ये होता है अपना बारबीडेंस के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं। ये अपना गिनिंग परसेंटेज है, 38-42% तक अपना ओल्ड वर्ल्ड के अंदर होता है। ठीक है, 34-38% और 28-32% तक बारबीडेंस के अंदर होता है। ठीक, ये तो हमने बात की किसकी, गिनिंग परसेंटेज की। ठीक है, साथ ही साथ हमने कॉटन सीड को भी देख लिया और सीड कॉटन को भी देख लिया। ये जो आपका कॉटन सीड है ना, इसी को जब आप क्रश करोगे तो इसमें से ऑयल भी निकलता है, इसमें से क्या निकलता है, ऑयल भी निकलता है। उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ ऑयल परसेंटेज कितना होता है, तो 26% ऑयल तो अपना पाया जाता है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के अंदर, जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन उनमें 26% होता है, और न्यू वर्ल्ड कॉटन में आपका 16% तक होता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन में कितना होता है, 16% तक होता है। एक आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज लिंट इंडेक्स, ये लिंट इंडेक्स क्या चीज़ है। ऐसे 100 सीड ले लो, ऐसे सीड कॉटन कितने ले लो, 100, उन 100 में से जितना भी फाइबर निकलेगा उनका वेट ही क्या कहलाता है, लिंट इंडेक्स कहलाता है, मतलब वेट ऑफ द 100 सीड कॉटन फाइबर। ये 100 सीड कॉटन, ये जो आपका सीड देख रहे हो सीड कॉटन, इसमें जितना भी फाइबर है उसका 100 सीड कॉटन के फाइबर का जो वेट होगा वही लिंट इंडेक्स कहलाता है, और ये लगभग आता है 33% के समथिंग। एक होता है आपका सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स तो सभी पता है, एक सीड अपना सॉरी टेस्ट वेट होता है, एक अपना सीड इंडेक्स होता है। टेस्ट वेट मतलब 1000 दानों का वजन, और जहाँ पर सीड बड़े होते हैं वहाँ पर अपन सीड इंडेक्स निकालते हैं। तो सीड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ दी 100 सीड, 100 सीड का वजन जो होता है उसको सीड इंडेक्स कहते हैं। ये आपका 4.8-11 ग्राम तक होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीड इंडेक्स कितना होता है, 4.8-11 ग्राम तक। एक प्रोसेस होती है डीलिंटिंग, चलो यहाँ जगह है यहाँ देख लेते हैं, डीलिंटिंग इसको हम लोग डी फजिंग भी बोलते हैं। ये डीलिंटिंग और डी फजिंग क्या होती है, सोइंग से पहले की जाती है। आप सोइंग किससे करोगे, सीड से करोगे, ये रही सीड, ये रहा वो सीड, सीड के ऊपर हल्के हल्के से क्या है, ये फज है, हल्के हल्के से हेयर है, इनको क्या बोलते हैं अपन, फज।
क्या आपको नहीं लगता ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? बिल्कुल क्रिएट करेंगे। मैंने कहा था ना ये नॉन इकोनॉमिक पार्ट है, कोई इनका यूज नहीं, ऊपर से प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। ये जो फर्ज होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जो हल्के हल्के से फाइबर आपको दिख रहे हैं ना, इन फाइबर की वजह से ये सीड जो है वो आपस में चिपक जाते हैं, आपस में चिपक के गुच्छे बना लेते हैं। सीड ड्रिल में जब सोइंग करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसमें फंस जाए तो उनके पाइपलाइन में फंस जाते हैं। सोइंग करोगे तो पूरे गुच्छे की गुच्छे एक जगह पर गिर जाते हैं। इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग जब अपन करते हैं तो ग्रेडिंग में ये फज जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, आपस में चिपकने की वजह से दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डीफजिंग करते हैं, इन फज को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। अब प्रॉब्लम जो एक एक करके तो निकालोगे नहीं, तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल के साथ, और वो केमिकल क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। कितना, 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं पर kg ऑफ सीड के साथ, 1 किलो सीड में 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा, ये ml में है ये kg में है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करो, 100 ml और इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से कट गया तो ये आ गया अपना 1/10। तो रेशो कितना आ गया अपना, 1:10 का, मतलब H2SO4 और सीड का जो रेशो है वो कितना है आपका, 1:10 के रेशो में हमको यूज़ करना है। इस रेशो पे क्वेश्चन आता है कि H2SO4 और सीड का जो अपन रेशो लेते हैं डीलिंटिंग वो कितना होता है, 1:10। तो डीलिंटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, डीलिंटिंग से आप ये मत समझना कि लिंट निकाल रहे हैं, लिंट निकालने को तो गिनिंग कहते हैं, डीलिंटिंग, इसको डीफजिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है फज को रिमूव करना, और वो कैसे रिमूव करोगे, H2SO4 से। इससे बहुत सारी चीज़ें और होती हैं इस डीलिंटिंग में। देखो, H2SO4 से ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे पैथोजन, इंसेक्ट के अंडे वगैरह कुछ होंगे उसके ऊपर, तो वो भी चले जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। ग्रेडिंग में काम करता है, ग्रेडिंग आसान हो जाती है, जो फज निकल जाते हैं। सोइंग में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है अपनी। बहुत सारे इसके फायदे हैं डीलिंटिंग और डीफजिंग के। तो ये अपना कॉटन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया।